करजे का दैन पंजाब की जवानी नु खा रहा है, पंजाब के किसानों नु खा रहा है। एक होर खबर सामने आई है खन्ना तो, जिथे खन्ना के पिंड गंडुआ के किसान सतजीत सिंह ने खुदकुशी कर ली है। रेलगड्डी के अगे आके छाल मार दी, अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। 36 साल किसान ते सी, 12 लाख रुपए का कर्ज। अगे वधदियां ते गल करदे हां हरपाल सिंह शीमा, खजाना मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे ने वजीफा घोटाले के मुद्दे ते, सुन लैंदे उन्हां नूं। कि अकाली दल बीजेपी ने एक बड़ा स्कैम, एक बड़ा कपड़ा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के अधीन पंजाब के लखां ही शड्यूल कास्ट शड्यूल ट्राइब्स पंजाब के दलित बच्चों के नाल अकाली दल बीजेपी ने किया। सत्ता में आउंदिया ही जदों कांग्रेस पार्टी 2017 दे विच सत्ता विच आई तो सत्ता विच आउंदिया ही जिहड़ी आ उह सारे मुद्दे नूं भुल गई। और पंजाब की विधानसभा के अंदर तुसीं सारयां ने कवर किया, देखिया कि पंजाब विधानसभा के अंदर जदों कांग्रेस पार्टी 2012 तो 2017 तक आपोजिशन दे अधीन सी उस समय बड़े बड़े बैनर ला के कांग्रेस पार्टी जिहड़ी आ उह लगातार प्रोटेस्ट करती सी कि स्कॉलरशिप स्कैम होया, कपड़ा होया, दलित बच्चों के नाल एससी बच्चों के नाल शड्यूल कास्ट बच्चों के नाल उन्हां दी पढ़ाई के नाल बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया, उन्हां नूं पढ़ाई तो वांझे रखा गया। पर लेकिन जदों सारा चाप सत्ता दे विच आए तो उस समय ऑडिट ऑडिट की गेम शुरू हुई कि असीं ऑडिट करावांगे, जिहड़े दोषी होणगे उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई की जाऊगी। ये गल जिहड़ी आ बड़े पद्धर दे उत्ते पंजाब दी विधानसभा दे अंदर भी असी भी देखी, क्योंकि 2017 दे विच असी पंजाब विधानसभा च मैंबर सीगे, आम आदमी पार्टी आपोजिशन दे विच सी, असी ये सवाल जिहड़े सी पंजाब विधानसभा दे अंदर कैप्टन साहब तों उस समय दे मुख्यमंत्री और उस बाद चन्नी साहब तों और उस समय दे मिनिस्टर साधु सिंह धर्मसोत तों भी लगातार असी ये सवाल पुछदे सीगे कि पंजाब दे अंदर इहदी जांच कदों होऊगी। पंजाब दे अंदर जिहड़ा पंजाब दे लखां ही विद्यार्थियों के नाल धोखा होया गा, पंजाब दे शड्यूल कास्ट जिहड़ी मैं समझदा पंजाब दी एक बड़ा हिस्सा आबादी दा 32% तो उपर पापूलेशन दे बच्चों के नाल उन्हां दी पढ़ाई दे नाल उन्हां दे भविख दे नाल खिलवाड़ होया गा, उहनूं कदों इना जिहड़ा इंसाफ मिलेगा उन्हां बच्चों नूं। पर लेकिन लगातार लारे लाउंदे लाउंदियां कैप्टन साहब की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उस समय खुद एक बड़ा कपड़ा किया। उस समय जिन्ना जिहड़े कॉलेजां तों ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨੇ ਸੀ ਆਡਿਟ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਡਿਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਪੈਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਕੇ ਰੀ ਆਡਿਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇਗੇ, ਰੀ ਆਡਿਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ। ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਰਹੀ। 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਰਹੀ। ਔਰ ਲਗਭਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 9,05,340 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਪੈਸੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਔਰ 40 ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ, 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 9,05,340 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 1,95,156 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ? 1 ਲੱਖ
95,156 क्योंकि बच्चों का गरीब बच्चों का दलित बच्चों का विश्वास उठ गया शेड्यूल कास्ट बच्चों का विश्वास उठ गया क्योंकि लगातार चाहे कांग्रेस पार्टी आ चाहे बीजेपी आ चाहे अकाली दल आ लगातार दलित बच्चों के नाल गरीब बच्चों के नाल धोखा करके पहला सबजवाब दिखा के जो